हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीडी कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। हमने लास्ट क्लास में अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि आपका फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कौन से चैप्टर में, पॉलीनोमियल्स के चैप्टर में। कितने तरह की इक्वेशंस होती हैं हमने कौन कौन सी पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी उस चैप्टर में, और क्यूबिक इक्वेशंस पढ़ी थी। ठीक है, तो हम आज चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 2 होती है उसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है देखते हैं। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म DARD, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, हमने इसी के ऊपर और एक्सप्लोर करना है कि इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने पॉलीनोमियल्स में इस तरह के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। पहली एक्सरसाइज आपकी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन की है। ठीक है, हम वो पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसके बाद में हम सॉल्यूशंस निकालना सीखेंगे। इसके सॉल्यूशन हम इस चैप्टर में दो तरीके से निकालने सिखाए हैं, एक तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो कि आपकी अगली क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उसके बाद में एक और टॉपिक है जिसमें हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे भी करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से भी करेंगे। ठीक है, ये दो तरीके ही बताए हैं आपके इस चैप्टर में इसको सॉल्व करने के। ठीक है, तो कैसे हम इसको शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दी, इसके बाद डायरेक्ट हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे किस किस तरह से उसने क्वेश्चंस पूछे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ यही बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाओ, बस, या चेक करो या बनाओ। तो वही हम आज करने जा रहे हैं। देखो, एक्सरसाइज डालो हेडिंग 4.1। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने सिर्फ बोला है कि चेक कीजिए कि ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। इसके कुछ पार्ट मैं खुद कराऊंगा, बाकी के पार्ट्स जो पेंडिंग रह जाएंगे वो आप खुद करेंगे घर पे। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, इंट्रोडक्शन है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे उसने क्वेश्चन जितना पूछा है उतना ही बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, देखो, x plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x minus 3। कुछ नहीं करेंगे, आपको स्क्वायर पता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर भी जिसको कहते हैं, उसको खोल देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x into 1 इज इक्वल टू, इसको खोल देंगे, 2x minus 6। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x minus 6। अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब देखो, यहाँ पे 2x प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2x, माइनस 6 है तो इधर आके प्लस 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब देखो 2x से 2x कट जाएगा और 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये देखो, अगर हम इसको इस स्टैंडर्ड में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मैच करके देखो, अब क्या ये इस फॉर्म में है, बिल्कुल है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, वेरिएबल चाहे कोई भी हो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 आ जाएगा। तो उसने पूछा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करके हमने देखा तो हाँ, ये बिल्कुल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह से बाकी के क्वेश्चन भी करेंगे, इसका कोई देखते हैं टफ वाला पार्ट वो करवा देता हूँ मैं आपको। देखो, इसका एट्थ पार्ट और सेवन्थ पार्ट सेम है, तो मैं एट पार्ट करा रहा हूँ आपको। एट पार्ट इसका देखिए क्या है, एट पार्ट में उसने क्या पूछा है, x cube minus 4x square इज इक्वल टू माइनस x plus 1 माइनस
एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब, एक्स माइनस टू का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये तो ठीक है, इसको इधर से खोलेंगे, इसको सेम का सेम लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू का होल क्यूब। देखो ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है, आपको याद है, रिमाइंड है कुछ? तो देखिए a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि b माइनस में है और इसीलिए b का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पे प्लस आ गया। तो इसी तरह ए क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब हो गया माइनस थ्री, ए की वैल्यू क्या है x है थ्री एक्स स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है b की वैल्यू क्या है माइनस टू, माइनस यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा टू मल्टीप्लाई बाय टू, उसके बाद प्लस 3a मतलब 3x और b का होल स्क्वायर मतलब 2 टू ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब देखो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, सीधी सी बात है, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर है ना, x क्यूब क्यों लिखा है, एक्स स्क्वायर है सॉरी, माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया 2 टू ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 8, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इंटू फोर, फोर थ्री ज़ा 12, यहाँ पे आ गया क्या 12x। इसको इधर मूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस एट, इधर आया तो प्लस एट, देन प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर देन माइनस 12x इज इक्वल टू जीरो। अब देखो माइनस फोर एक्स स्क्वायर और सिक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स और 12x माइनस 13x, ठीक है, 8 प्लस 1 9 प्लस 9, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया जीरो। ये आ गई आपकी इक्वेशन। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, यहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा था ये क्यूबिक लग रही थी, लेकिन यहाँ पे जब इसको पूरा सॉल्व किया, उसको इधर लेके आए, उसको ब्रैकेट खोला क्यूब खोला, तो ये आपका ये आ गया सामने। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस उसने ये पूछा येस और नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, आपने चेक करना है, इस तरीके से इस फॉर्म में लिखनी है, इसको चेक करना है और आपको आंसर बताना है। इसमें ए बी और सी की वैल्यू एक बार ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2x² + माइनस 13 एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 2, बी की वैल्यू क्या हो गई माइनस 13 और सी की वैल्यू क्या हो गई 9, ठीक है। आसान था, कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें। इसके बाद हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इक्वेशंस दे रखी है उसने, उसको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। बाकी के फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी के पार्ट आप खुद करना, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, बस उसको सॉल्व करना है, एक साइड में ले आना है, इस फॉर्म में लिखना है और चेक करना है, अगर पावर 2 नहीं हुई तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है, अगर पावर 2 से ज़्यादा हुई, 3 हुई 4 हुई, तो वो भी क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक कौन होगी, जिसमें वेरिएबल मतलब x की पावर सिर्फ और सिर्फ 2 आएगी, याद रखना x की पावर सिर्फ और सिर्फ 2 आनी चाहिए। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो लिख देते हैं एरिया क्या है, एरिया गिवन है हमको 528 मीटर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर है याद रखना, रेक्टेंगुलर मतलब ऐसा, ठीक है, इसकी कोई लेंथ होगी, ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी और ये इसकी लेंथ हो जाएगी, हो जाएगी ना, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। इसके बाद देखिए उसने क्या कहा है कि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से दुगने से एक ज़्यादा है, मतलब आप मान लेते हैं ब्रेड्थ क्या है हमारी एक्स है, ब्रेड्थ एक्स है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ का दुगना मतलब 2x
और उससे एक ज़्यादा, लेंथ क्या हो गई 2x+1, ब्रेथ को हमने मान लिया x, मान लो कि ब्रेथ उसकी x है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ का दुगना और दुगने से एक ज़्यादा 2x+1, ठीक है, दुगना हो गया 2x, उससे एक ज़्यादा मतलब प्लस वन। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि हो जाएगा x इंटू 2x+1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x2+x, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपको एरिया दे रखा है 528 m², ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 2x2+x-528 = 0। ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसने यही पूछा है, यहाँ तक ही पूछा है, इसके आगे सॉल्व नहीं करना है आपको, उसने सिर्फ और सिर्फ यही पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताइए इस क्वेश्चन की। तो हमने वो इजीली बना दी, एरिया हमको पता है कि 528 m² है, और उसने बोला है रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगल ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर प्लॉट रेक्टेंगल ऐसा होता है, उसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, ब्रेथ हमने मान ली x, और उसने लेंथ क्या दी है कि ब्रेथ के डबल से एक ज़्यादा है, तो 2x+1 आ गया। एरिया हमको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमने कर दिया, 2x+1 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया जो कि 528 m² के बराबर है। तो इसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। इसके आगे चलते हैं आपके सेकेंड पार्ट पे, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। देखो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। सबसे पहले बात करते हैं कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, कंसेक्यूटिव नंबर होता है एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे मैंने मेरा नंबर है एक, तो मेरे साथ वाले नंबर का, मेरे कंसेक्यूटिव वाले बंदे का नंबर क्या होगा, दो, एक दो तीन, ये सब कंसेक्यूटिव नंबर है, एक का दो है, दो का तीन है, तीन का चार है, ये सब कंसेक्यूटिव है एक दूसरे के, ठीक है। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में देखो उसने क्या पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, मान लेते हैं कोई नंबर क्या है, लेट द नंबर इज एक्स, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव नंबर इसका क्या हो जाएगा, x+1। उसने क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर मतलब x इंटू x+1, यही कहा है उसने, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 = 306। नंबर क्या मान लिया हमने, x मान लिया, उसका कंसेक्यूटिव क्या हो गया, x+1 हो गया, ठीक है। अगर x+1 हो गया तो उसने कहा है दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 306 के बराबर है, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा x2+x, इसको इधर ले आएंगे -306 = 0, यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इतना सा पूछा था और कुछ भी नहीं था, 3-4 लाइनों का आंसर हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है इसमें, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा वो, ठीक है। अच्छा उसने कहा है कि इंटीजर्स भी फाइंड करो, इस क्वेश्चन में उसने कहा इंटीजर्स भी फाइंड करो, इंटीजर्स भी फाइंड करने हैं, तो चलो करते हैं। इंटीजर्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, इसको इसका मेथड क्या था, वैल्यू पुट करने का था, और क्या था, एक और था, देखो आप कोई भी वैल्यू इसमें ले सकते हो, x2+x-306 = 306 है, या -306 = 0 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, बस इतना सा काम है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो या तो x+1 = 306 होगा, या x = 306 होगा, जो कि पॉसिबल है तो नहीं है वैसे, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं 306 किसका मल्टीपल हो सकता है, कोई दो भागों में डिवाइड कीजिए, देखो 17 8 7 56, 17 × 18 करिए, 17 × 18 करिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करना बताया था आपको, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई भी बताया था ना, 8 7 56, ठीक है, उसके बाद ये और ये, और ये 5 इधर, तो 8 1 8 और 7 1 7, 8 8 और 5 8 5 12, ठीक है, और ये 1 1 1, यहाँ पे जो भी आएगा देखते हैं, 8 8 16 16 और 4 20,
जीरो और टू तो वन, 1 + 2 कितना हो गया, 3, 306 होता है। देख लेते हैं, 17 × 18, 8 × 56, 6 × 5, 8 × 1 = 8, 13, 1 × 7 = 7, 1 × 1 = 1, 6, 10, 306, ठीक है, 306 आ गया आपका, 306 आ गया, मतलब 17 और 18 का मल्टीप्लाई होता है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, माइनस। अगर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17x लिख सकते हैं, माइनस 306 इक्वल टू जीरो। देखो 18 में से 17 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1x ही बचेगा, सॉरी 18x प्लस में आ जाएगा, 18x प्लस में आ जाएगा, 17x माइनस में आ जाएगा, क्यों, यहाँ पे प्लस x है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 306 आ ही जाएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 18 आ जाएगा, बिल्कुल। अब देखो यहाँ से क्या लेंगे, एक्स प्लस 18, ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा कितना, 17, माइनस 17 × x, माइनस 17x, माइनस 17 × 18, 306 माइनस में। अब क्या आ जाएगा, देखो एक्स माइनस 17 और एक्स प्लस 18, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो एक्स एक्स की वैल्यू 17 आएगी या फिर एक्स की वैल्यू माइनस 18 आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है, नेगेटिव तो लेना नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर बोला है उसने, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17, और एक्स प्लस 1 कंसिक्यूटिव की क्या आ जाएगी, 18, एक्स प्लस 1 मतलब 17 + 1 = 18, तो आपके इंटीजर क्या क्या हो जाएंगे, 17 और 18। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता दिया, यही मेथड आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोहन की मदर 26 ईयर्स ओल्ड है, क्या कहा है उसने, रोहन की मदर 26 ईयर्स ओल्ड है। ये मेथड आप आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा, यही मेथड है, कुछ नहीं करना है, ऐसा ऐसी चीज़ बनानी है, प्लस करने से ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने से इसका और इसका मल्टीपल आ जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इसका और इसका मल्टीपल आ जाए, इसका इसका और इसका मल्टीपल कितना है, माइनस 306 एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 306 एक्स स्क्वायर ही आएगा। आपका सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं, क्या कह रहा है कि रोहन की मदर की एज 26 साल ज़्यादा है उससे। मान लेते हैं रोहन की एज क्या है, रोहन एज क्या है, एक्स है, तो इसकी मदर्स की मदर की एज हो जाएगी, मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर एज क्या है, ये प्रेजेंट एज है, याद रखना, एक्स प्लस 26, ठीक है, ये प्रेजेंट एज है, उसने प्रेजेंट एज के बारे में बात की है। उसके बारे में उसके बाद पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। उसने कहा 3 साल बाद, आफ्टर थ्री ईयर्स, ठीक है, रोहन को आर लिख रहा हूं, रोहन की एज क्या हो जाएगी, आर एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 3 हो जाएगी, और रोहन की मदर को आर एम लिख रहा हूं या सिर्फ एम लिख रहा हूं, मदर की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 प्लस 3 मतलब कि एक्स प्लस 29, ये हो जाएगी 3 साल बाद। अब उसने क्या कहा है कि 3 साल बाद उनकी उम्र का प्रोडक्ट मतलब कि एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू क्या हो जाती है, 360, तो ये हो जाती है। उसने क्या कहा है कि रोहन की एज निकालो, रोहन की एज निकालने के लिए हमको सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सेम मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड थोड़ा हार्ड हो जाएगा आपके लिए इसमें, और क्या कहते हैं उसको, दूसरा मेथड क्या कहते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, तो वो आपको इसमें करना भी नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 29x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 90 माइनस 3 87 इज इक्वल टू 360, 3 × 29 87 होता है, ठीक है। इसके बाद देखो 29 प्लस 3x मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 32x
इज इक्वल टू 360 में से 87 माइनस हो जाएगा, या फिर इसको इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 360 माइनस 87 इज इक्वल टू ज़ीरो। 360 में से 87 माइनस कर दो मतलब 30 में से 27, 300 में से 27 माइनस करने हैं, ठीक है। 60 माइनस कर दिया 87 में से तो ये बच गया आपका 27। 27 माइनस किए, 20 माइनस किए तो कितना आ जाएगा 280, और उसमें से 7 माइनस किए तो 273 माइनस में इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आ गया 32x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को वापस आप सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। अच्छा, आपका एक और याद रखना, एक फॉर्मूला भी होता है, माइनस बी, माइनस बी इज प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला, जिससे आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं बी ए सी की वैल्यू पुट करके, ठीक है। इससे एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है, बी की वैल्यू। तो सॉल्व करते हैं एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू पुट करो, बी है क्या 32, तो माइनस 32 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, मतलब कि 32 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1, इंटू सी की वैल्यू क्या है 273 माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन 2a, मतलब 2 इंटू 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा माइनस 32 प्लस माइनस अंडर रूट 32 का होल स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, देखो 32 का होल स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, और प्लस कर देंगे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 2 1024, 1024 प्लस 4 3 ज़ा 12, 7 4 ज़ा 28, 29 9 और 2, 4 2 ज़ा 8 9 10, 1092 प्लस कर देंगे डिवाइड बाय 2 माइनस 32 को सीधा 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सॉरी माइनस 32 बीच में, क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है अंडर रूट 4 2 6, 9 10 11, 1 और 1, 1 और 2, 2 1 1 6 डिवाइड बाय 2। अब 2 1 1 6 का अंडर रूट निकालना है, अंडर रूट देखो, अंडर रूट कैसे निकालेंगे, अब देखो 40 का अंडर रूट हमको पता है 0 0 4 4 16, 40 का अंडर रूट क्या होता है 1600, अब 1600 से ज़्यादा है, ठीक है, 40 का पता चल गया हमको, 50 का क्या होता है 2500, मतलब 50 से कम होगा और 40 से ज़्यादा होगा, 40 से ज़्यादा होगा 50 से कम होगा, तो 46 का निकाल के देखते हैं, 46 इंटू 46, 46 का होल स्क्वायर कैसे बताया था, 6 6 ज़ा 36 लिखो और 4 4 ज़ा 16 लिखो, उसके बाद क्या करना है 6 2 ज़ा 12 या 4 2 ज़ा 8, 8 5 48 ज़ा 48, ये कितना आ जाएगा देखो 6 8 9 10 11, 6 4 10 11, 1 और 2, 2 1 1 6, तो ये किसका आ गया 46 का होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस माइनस 46 डिवाइड बाई 2। तो क्या करेंगे, माइनस 32 एक बार रखेंगे प्लस में, एक बार रखेंगे माइनस में, माइनस 32 प्लस 46 डिवाइड बाई 2, या फिर क्या आ जाएगा माइनस 32 माइनस 46 डिवाइड बाई 2, ये दो कंडीशन बन रही हैं। अब देखो अगर माइनस वाला लेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एज माइनस में तो जाएगी नहीं, तो 32 माइनस प्लस 46 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 7, आंसर आ गया आपका। एक तो ये मेथड हो गया, एक था फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड इसमें लगाना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, छोटा नंबर होता तो फैक्टराइजेशन भी लगा देते, तो ये मेथड से हमने किया तो क्या हुआ, हो गया 46 माइनस 32 कितना हो गया 14, 14 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया आपका आ गया 7। तो रोहन की एज कितनी आ गई, रोहन की प्रेजेंट एज आ गई आपकी 7। आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट का सिर्फ एक क्वेश्चन और बाकी है तो वो भी कर लेते हैं। देखो फोर्थ पार्ट क्या कहता है, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पढ़ लिया आज की क्लास में, मुझे नहीं लगा था कि फर्स्ट एक्सरसाइज में वो बताएगा, वो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, लेकिन उसने पूछ लिए तो हमको सॉल्व तो करने पड़ेंगे, ठीक है,
सॉल्व कर दिया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको बता दी कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगती है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे फॉर्मूला लगता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे लगता है वो आपको बता दिया, ठीक है। इसके साथ में हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने पहले पॉलीनोमियल्स में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया कैसे वो हम इसमें यूज़ करेंगे। इसके बाद देखो अगला पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर का, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं देखो कि एक ट्रेन है जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल क्या आ जाएगा, डी लिख रहा हूँ, डी मतलब डिस्टेंस 480 किलोमीटर्स, ठीक है। क्या कह रही है, यूनिफॉर्मली ट्रेवल करती है, अगर स्पीड, तो स्पीड मान लेते हैं हम कुछ, डिस्टेंस 480 किलोमीटर है तो मान लेते हैं स्पीड इसकी होगी एक्स किलोमीटर, स्पीड को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ एक्स किलोमीटर पर आवर। अगर उसने क्या बोला है अब कि अगर स्पीड उसकी जो होती है, ठीक है, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम भी हमको गिवन नहीं है, इस स्पीड से चलने पे टाइम कितना हो जाएगा, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है आपका 480 किलोमीटर और इसका स्पीड क्या है एक्स हो जाएगा, ये तो आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, टाइम क्या हो गया 480 किलोमीटर। उसके बाद उसने क्या बोला है, अगर स्पीड को हम रिड्यूस कर देते हैं 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई आपकी स्पीड, तो कह रहा है कि इसकी क्या कह रहा है कि वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है, ठीक है, 3 घंटे ज़्यादा लेता है वही डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 3 घंटे ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, हमको पता है कि टाइम की वैल्यू क्या होती है, टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये हमने अभी डिस्कस किया है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो अब देखो अगर हम इसकी बात करें, इस स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करें, टाइम निकालें, तो क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा इसकी वजह से 480 अपॉन एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8 आर्स, ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन, इतने घंटे लगे उसको, इस स्पीड से चलने पे इतने घंटे लगे, इस स्पीड से चलने पे इतने घंटे लगे। अब उसने क्या कहा है कि अगर इस स्पीड से चलती है ना तो 3 घंटे ज़्यादा लेती है, मतलब कि इसको इसमें से माइनस करें तो 3 की वैल्यू आएगी, क्या समझे मेरी बात, समझे, मतलब कि 480 फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस करेंगे, ये आर्स है, माइनस 480 डिवाइड बाय एक्स आर्स इज इक्वल टू 3, बस यही कहा है उसने। देखो पहले टाइम कितना लग रहा था एक्स स्पीड से चलने से, इतना टाइम लग रहा था, दूसरी बार x माइनस 8 की स्पीड से चलने से इतना टाइम लग रहा था, उसने कहा है कि अगर इस स्पीड से चलता है तो 3 घंटे ज़्यादा लेता है, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल आएगा। इसके बाद देखो इसको कुछ नहीं करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 480 x माइनस 480 x प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 480 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाय x माइनस 8 मल्टीप्लाई विद x इज इक्वल टू 3, तो ये तो उधर चले जाएगा 480x कट जाएगा, 480 इंटू 8 क्या हो जाएगा 0, 88 जा 64, 4 और 3840, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 3840 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू x माइनस 8, इसको क्या 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 वन जा 3, 3 टू ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24 और 0, 1280 एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, ये आपकी आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसने क्या पूछा है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, कौन सी वाली, ठीक है,
हमको पहले वाली स्पीड भी पता चल सकती है और बाद वाली भी पता चल सकती है। इसमें उसने क्या पूछा है, उसने पहली वाली स्पीड पूछी है, मतलब ये वाला एक्स पूछा है उसने, तो एक्स की वैल्यू हम इसमें से वापस निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर वो वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना आपको ज़्यादा आसान रहता है इसमें, ठीक है? तो लगाते हैं, यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे देखो माइनस बी, माइनस बी मतलब कि माइनस एट है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस एट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस एट प्लस माइनस अंडर रूट एट का स्क्वायर, एट एट ज़ा 64, माइनस फोर ए मतलब 4 × c मतलब माइनस 120 मतलब प्लस इंटू 1280, ठीक है, ये आ गया आपका, डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। कुछ नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और निकाल देंगे, सॉल्यूशन निकाल देंगे, 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 प्लस 0, 8 × 4 = 32, 2 × 3 = 4, 2 × 8 = 9, 10, 11, 4 × 4 = 5, 5 × 2 = 2। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 8 प्लस माइनस, देखो माइनस तो आप यहाँ से हटा ही दीजिए, क्यों? क्योंकि जो आपकी स्पीड है वो माइनस में तो जाएगी नहीं, क्यों, आगे को जा रही है, तो प्लस में लेते हैं, 4 × 4 = 4, 6 × 2 = 8 और 1 और 5, 5 × 1 = 4 / 2, 8 + 5 = 1 / 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 × 1 = 4 का आपको निकालना क्या है, अंडर रूट निकालना है। अब अंडर रूट देखो 50 का कितना होता है, 90 का कितना होता है, 8100, तो 90 से कम होगा, आ जाते 70 पे, 7 7 से कितना होता है 49, तो 70 से बड़ा होगा और 80 से छोटा होगा, 8 × 8 = 64, 8 का कितना होता है 64। अब देखो 64 इससे ज़्यादा बड़ा है, 49 के पास में है, तो लास्ट में 4 आ रहा है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं किससे, 72 से, 72 का स्क्वायर निकालिए, 72 का स्क्वायर कैसे निकालना बताया था, 2 × 2 = 4 और 7 7 = 49, ठीक है, और 2 × 2 = 4, 7 4 = 7 4 = 28, 4 8 1 5 1 8 4, बिल्कुल सही, ठीक है। ऐसे गैस करते हैं इसमें, ऐसे इसको कहते हैं गैस, आपके दिमाग में इतनी पावर होनी चाहिए कि आप गैस कर सको ये किसके आसपास है। मेरे को नहीं आता कुछ भी, आपको कुछ नहीं आता, समझ लो आपको कुछ नहीं आता, आपको मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं पता, आपको ये शॉर्टकट्स भी नहीं आते, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। देखो 7 का तो स्क्वायर कर सकते हो, 7 7 = 49, 49 मतलब 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4900, वहीं 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400, तो ये 5 1 8 4 किसके पास में आ रहा है, 49 के पास में आ रहा है ना, तो 70 के बाद कौन सा ऐसा डिजिट आएगा, कौन सा ऐसा नंबर आएगा जिसका स्क्वायर करने पे 4 आएगा, तो लास्ट वाला डिजिट देखिए 2, 2 पे 4 आएगा, 3 पे नहीं आएगा, 4 पे नहीं आएगा, 5 पे नहीं आएगा, 6 पे नहीं आएगा, 7 पे नहीं आएगा, उसके बाद 8 पे आएगा, 78 पे, तो 78 तो चले जाएगा कहाँ पे, 6400 के पास में, तो 72 का इसलिए मैंने किया था। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, देखो 8 प्लस 72 बाहर आ जाएगा डिवाइड बाई 2, 72 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 40, तो आपकी पहले की स्पीड कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, और ये तो बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाला है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इसमें कंफ्यूज बहुत बिल्कुल मत होना, आपने बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ए बी और सी की वैल्यू मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, सारी इक्वेशन को इसके बराबर रखते हैं, बाहर में प्लस रखते हैं, अगर यहाँ पे माइनस हो तो बी के साथ में चले जाता है, यहाँ पे माइनस हो तो सी के साथ में चले जाता है, तो वही बस इस फॉर्मूले के अंदर में रखना है। अब यहाँ पे कॉमन सी बात है कि स्पीड माइनस में तो जाएगी नहीं, अगर इसको माइनस लिखते तो यहाँ पे क्या आता है, -72 - 72 प्लस 8 कितना हो जाता आपका, आया था 64, माइनस में 64, अब 64 माइनस में स्पीड थोड़ी जाती है कभी, तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, प्लस में किया, बस और कुछ नहीं है इसके अलावा, और इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस आपको यही इक्वेशंस याद रखनी है, इक्वेशंस के सहारे आपको बस याद रखना है। आपको मैंने आज ही दोनों तरीके बता दिए हैं, मेरे को नहीं लगा था कि फर्स्ट एक्सरसाइज में वो क्वेश्चंस करवाएगा इस तरह के, तो पहली एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस इस तरह से हो गए कि ये वाले फॉर्मूला भी लग गया आपका, और आपका पहले क्वेश्चन में आपको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड भी बताया था, दोनों मेथड आपके यूज़ होंगे, यही दोनों मेथड आपके यूज़ होंगे, फर्दर कोई भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व होगा वही दोनों मेथड यूज़ होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना करते हैं, कर दिया हमने एक्सरसाइज फर्स्ट आपकी कंप्लीट कर दी है,
मिलते हैं अगली क्लास में आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और फर्दर और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो आज के लिए लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए घर पे जितनी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।